बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी मां की हालत खराब है। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी मां को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूं, आजकल मेरा आना नहीं हो पाएगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूं। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में भेज दूंगा। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फोन करने का क्या फायदा, जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और ढेर हो गए और बैठकर पुरानी बातें याद करने लगे। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर भी उनसे बहस कर बैठता था। इसीलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने को कहा। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता के जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर निद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे थे, खबर मिलते ही भागा आया हूं। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। फिर एक दिन वह गायब हो गया। उसके पिताजी उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंक गए।
उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह खेत तो? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी ही रह गई है, यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहां चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और माधव जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह।